तेजस्वी यादव के गायब होने पर मचे सियासी बवाल पर राबड़ी से आज तक के सवाल, तिलमिला अंदाज में जवाब, आपके घर में है तेजस्वी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर अमित शाह का जवाब, बोले राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी। अमित शाह बोले कांग्रेस ने ही बंटवारे की ऐतिहासिक गलती की, गृहमंत्री के बयान पर लोकसभा में हंगामा। हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है। गृहमंत्री अमित शाह बोले कश्मीर में लोकतंत्र बहाली हमारी प्राथमिकता, जेकेएलएफ पर बीजेपी ने लगाया प्रतिबंध। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कैडर को आज नष्ट किया। जेकेएलएफ इतने सालों से किस देश का लिबरेशन करना चाहते हैं आप? आज लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का पहला भाषण, बोले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का अमित शाह ने लोकसभा में रखा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन प्रस्ताव संसद में पेश, शाह बोले एलओसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी मिले आरक्षण का लाभ। 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किया संसद में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, व्यापार और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी शानदार जीत की बधाई, कहा आप इस जीत के हकदार हैं। पीएम मोदी ने बताया कि चुनावी नतीजों के बाद आया था ट्रंप का फोन, कहा आज की बातचीत में चार मुद्दों पर जोर। बहुत बड़े भारी बहुमत से भारतीय जनता ने हमें मैंडेट दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मतदान किया है और उसके तुरंत बाद आपने टेलीफोन कर करके बधाई दी। पीएम मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर दिया जोर, अपनी बात कहने के बाद ट्रंप ने आगे बढ़कर मिलाया हाथ। अमेरिका, भारत और जापान के राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय मुलाकात, पीएम मोदी ने कहा जापान अमेरिका और इंडिया से बनता है जय। और भारत भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों के नेताओं से मिले पीएम मोदी, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। ब्रिक्स देशों की बैठक में बोले मोदी आतंकवाद के सभी रास्ते बंद करने होंगे, आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की अपील की। जापान के ओसाका में पीएम मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक। पश्चिम बंगाल में 70% से ज्यादा मुस्लिम छात्रों वाले स्कूलों में अलग से खाने का इंतजाम, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। बंगाल में मुस्लिम छात्रों के अलग खाने के इंतजाम पर सियासत तेज, रूपा गांगुली बोली बचपन से ही यहां छात्रों में के मन में डाला जा रहा है हिंदू मुसलमान का जहर। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बागी विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा स्पीकर से करें शिकायत। कोयले के ट्रांसपोर्ट पर बैन लगाने के एनडीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोयला मंत्रालय। गायब तेजस्वी पर मचे सियासी घमासान पर भड़की राबड़ी देवी, आज तक संवाददाता बोले आपके घर में ही तेजस्वी। आजाद जेल में रहेगा आकाश विजयवर्गीय, जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। विधायक आकाश विजयवर्गीय के वकील ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट में दायर की थी याचिका, बैट मार विधायक के मददगारों पर गिरी गाज, गुंडागर्दी करने वाले विधायक को किया बीजेपी ने सैल्यूट, लगाए पोस्टर, इंदौर नगर निगम ने हटवाए पोस्टर। इंदौर में आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ नगर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन, बीजेपी विधायक की गुंडई के खिलाफ नाराज। आकाश विजयवर्गीय के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने साधी चुप्पी, प्रतिक्रिया देने से इनकार। यूपी के अधिकारियों में दिखा योगी का खौफ, आज सुबह 9 बजे ज्यादातर अधिकारी दफ्तर में। आज तक ने किया यूपी के सरकारी ऑफिसर्स का रियलिटी चेक, वक्त पर दफ्तर में नजर आया अधिकारी। योगी ने दिया था अधिकारियों को अल्टीमेटम, वक्त पर न आने पर सैलरी काटने का जारी किया था फरमान। पटना में कंप्यूटर शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान अजब नजारा, वाटर कैनन चलाने वाले
चलने से नाले में गिरे मजिस्ट्रेट। पुलिसकर्मियों ने मजिस्ट्रेट साहब को नाले से बाहर निकाला। लाठीचार्ज के बाद दिया था वाटर कैनन चलाने का आदेश। राहुल गांधी पर के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक। शीला दीक्षित, पीसी चाकू, सभी हारे प्रत्याशी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में हार पर हुई चर्चा। सभी प्रत्याशियों ने ईवीएम पर उठाए सवाल। एक महीने बाद विधानसभा की तैयारी पर बैठक। राहुल ने एकजुट रहने के दिए निर्देश। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे का बयान। राम मंदिर पर अपना वादा पूरा करे सरकार। विश्व हिंदू परिषद की मांग, अनुच्छेद 370 और 35A जल्द हटाए मोदी सरकार। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया। जैश के आतंकी कर सकते हैं बड़ा हमला, अलर्ट जारी। यात्रा रूट पर आईडी खतरा। 40 आईडी एक्सपर्ट की टीम तैनात। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मारा गया एक आतंकी, एक फरार। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों का दावा, मारा गया आतंकी पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में था। कश्मीर में आतंकी संगठन आपस में भिड़े। आईएस का दावा, उसके आतंकी को हिजबुल ने मारा। मुंबई में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर बहने लगी नदी। वैसे इलाके में भी जलभराव। बीएमसी के दावों की खुली पोल। मुंबई के नाला सोपारा की सड़कें पानी में डूबी। अंधेरी इलाके में भी जलभराव। एयरपोर्ट भी दिखा भारी बारिश का असर। 700 मीटर तक गिरी विजुअलिटी। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, एक फ्लाइट डायवर्ट। मुंबई में कई इलाकों में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अंधेरी, कांदिवली, बोरीवली में भारी बारिश। मुंबई के गांधीनगर इलाके में सड़कों पर बहा सैलाब। 1.5 से 2 फीट तक सड़कों पर भरा पानी। घंटे भर की बारिश में सायन की सड़कों पर नाव चलाने भर जमा हुआ पानी। पानी निकालने वाले पंप बंद। मानसून की पहली बारिश में डूबती बहती मुंबई में नहीं दिखे बीएमसी कर्मचारी। लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ी। मुंबई के अंधेरी सब्वे इलाके में भारी बारिश में बह गया कुत्ता। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बचाया। मुंबई में बारिश से जलभराव के मुद्दे को कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया। मुख्यमंत्री से की तुरंत कार्रवाई की मांग। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की भिड़ंत। एक नागरिक, एक जवान की मौत। बुलंदशहर में गौकशी के बाद हिंसा के मामले में हिंसा के आरोपियों पर लगेगा देशद्रोह राजद्रोह की धारा। 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। हिंसा में युवक समेत एक इंस्पेक्टर को गोली मारकर हमला किया। फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रवक्ता की हत्या के बाद आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, निकाला मार्च। चमकी बुखार को लेकर बिहार में हंगामा जारी। बिहार में स्वास्थ्य मिनिस्टर मंगल पांडे के इस्तीफे को लेकर CPI ML के नेताओं का पटना प्रदर्शन। धौलपुर में मोस्ट वांटेड डकैत जगन गुर्जर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। 3 राज्यों की पुलिस को थी गुर्जर की तलाश। अलवर में शराब के नशे में टोल संचालक के दौरान ने दौड़ाई फॉर्च्यूनर गाड़ी। बाल बाल बची गरीब की जान। औरैया में बीच सड़क पर दिखा बदमाशों का कहर। बदमाशों ने बाइक का हैंडल छू जाने से मेरे में से पीटा। दिल्ली में भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी का रियलिटी टेस्ट। कई जगह हुई मॉक ड्रिल। झारखंड के कड़वा में कोर्ट कैंपस में सुरक्षा इंतजामों को जानने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। एक ही परिवार में सामूहिक नरसंहार से दहला यूपी। हमीरपुर में पहचाने जाने के डर से लुटेरों ने हथौड़े से 2 मासूमों समेत 5 की ली जान। दिल्ली में कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। खरगोन मुस्लिम समाज के मुफ्ती के 2 बच्चों के अपहरण से सनसनी। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। दमों में नशे में धुत एक शख्स ने की अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। तिरुमला में कार के भीतर 8 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप। सपेरों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने का हैरान करने वाला वीडियो सामने। गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल पर हुड़दंगियों ने टोल नहीं दिया, रोका तो कर्मचारियों को बोनट पर 100 मीटर तक घसीटा। लातेहार में बेहोश गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक से 10 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर एक युवक के बैग से 27 लाख रुपया कैश बरामद। ईडी कर रही है पूछताछ। पुणे में लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।